रहे होंगे कि आज सुबह सुबह मैं फिर शूट पे जा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। देखो सब उठ चुके हैं, ये हैं पंकज और पीछे दोनों बच्चे हैं पर अब फिर सोने की तैयारी में। हेलो गाइस, परी और ओजस, हाँ ये ओजस वो परी सो रही है और ये मैं। तो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तो तभी जा सकते हैं हम, बस वैसे ही हमारा एक दो दिन से मन हो गया कि क्यों ना जाकर दर्शन करके आए, तो बस प्रोग्राम बना और छुट्टी भी आ गई तो बस चल पड़े हम। तो इसे ही बोलते हैं जब बुलावा आता है तो ही जा सकते हैं आप दर्शन के लिए। तो चलते हैं जय महाकाल करते हुए महाकाल के दर्शन करने के लिए। अगर हो सका तो आपको भी जरूर करवाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। जरूर देख बोलना है ना, ये देखो अभी 10 आवर्स हैं और शाम 3:30 या 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के बाहर से दर्शन हम आपको करवाएंगे और आज हम स्टे करेंगे और कल वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं, जय महाकाल। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं और ये रही हमारी कार। और अभी पंकज और रजत ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमने खा लिया और अब हम आ गए अपनी गाड़ी के पास। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। अभी हम महाराष्ट्र में ही हैं, अभी हैं हम महाराष्ट्र में ही, 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे उज्जैन और दर्शन कर लेंगे जल्दी से। तो चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, मे बी हम 3 या 4 बजे तक उज्जैन पहुंच जाएंगे। महाकाल फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। आप दरवाजे के दर्शन कर सकते हैं और थोड़ी सी देर में ही हम मंदिर में होंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी महाकाल के दर्शन करवा सके।
तो स्टे ट्यून्ड। 1.5 किलोमीटर वो देखिए, वो सामने मंदिर नजर आ रहा है। मेरी फिंगर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। हमने सबने ऑटो ले लिया है और कार को यहीं पार्किंग में खड़ा कर दिया है, क्योंकि मंदिर के पास वाली पार्किंग अभी बंद है, वहाँ पर काम चल रहा है नहीं बेटा, और इसलिए हम ऑटो से जा रहे हैं। बारिश भी हो रही है तो पैदल भी नहीं जा सकते यार। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। भीड़ कम है, बहुत अच्छी बात है। पंकज वहाँ से परी और पंकज प्रसाद ले रहे हैं और हम मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं और बहुत कम भीड़ है, तो बस हम पहुँचने वाले हैं वहाँ सामने ही। तो हम ट्राई करने वाले वीडियो मंदिर के अंदर की। हाँ, तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ।
ये है उज्जैन के महाकाल, नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ वीडियो नहीं बनाने दिया इसीलिए मैंने ये फोटो डाल दी ताकि आप अच्छे से दर्शन कर सकें, और आप सबके लिए भी बहुत सी मैंने दुआएं मांगी। दर्शन हो गए हैं और बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ और कल जाएंगे घर वापस। इस बार भीड़ बहुत कम है और लास्ट टाइम हम आए थे तब भी बहुत भीड़ कम थी और अच्छे से दर्शन हो गए। बाहर के परिसर के दर्शन हैं, ये आप ही कर लीजिए। देखो कड़ा, हाँ ये कड़ा लेता रहता है, जहाँ जाता है एक न्यू कड़ा ले लेता है और फिर घर जाके उसको पहनता ही नहीं है। अच्छा रहा, अच्छे से दर्शन हो गए और रात को हमने होटल में रहे। और हाँ, हम इंदौर भी थोड़ा घूमे। यहाँ पर एक 56 करके जगह है, मतलब वहाँ 56 शॉप्स हैं स्नैक्स की, वो भी हमने एंजॉय की। इसीलिए हमने होटल का डिनर भी छोड़ दिया, बच्चों को बहुत पसंद आया और बहुत, मतलब दो दिन तो बहुत ही अच्छे गए। और अब हम वापस जा रहे हैं मुंबई अपने घर के लिए, क्योंकि फिर दोबारा से स्कूल और ऑफिस स्टार्ट करना है। तो ये देखिए सब उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो बच्चों, और बच्चे फिर वही फोन पर अपने डेली रूटीन पर आ गए हैं। तो मैं आपको बाहर का भी मौसम दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर मौसम है, बारिश का जैसे हम आए थे बिल्कुल वैसा ही मौसम हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ये व्लॉग आप देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर भी कीजिए। और आपको दर्शन कैसे हुए और कैसा लगा वो दृश्य देखकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए जय महाकाल, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।